नमस्कार, मैं कुसुम मिश्रा और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद के मोहना गांव में आज सुबह 8:30 बजे प्राइवेट बस द्वारा 3 वर्षीय बच्ची को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि 3 वर्षीय प्राची अपनी मम्मी के साथ रोड के समीप खड़ी थी, तो वहीं प्राइवेट बस चालक की लापरवाही से रॉन्ग साइड बस को ले जाकर बच्ची को कुचल दिया गया, जहां मौके पर ही 3 वर्ष की प्राची की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने ड्राइवर और बस को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसको लेकर थाना छायसा SHO ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही ने बच्चे की जान ले ली। ड्राइवर और बस को काबू में कर लिया गया है और कानूनी दायरे में रहकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अंदर क्या घटना यहाँ पर घटित हुई? वो बहन जी थी जी, वो बहन जी अपनी मम्मी के साथ यहाँ रोड के पास खड़ी थी और बस वाले ने मोहना की तरफ से आ रही थी 8:30 बजे और लगभग 8:35 पे यहाँ रॉन्ग साइड में ले गए, आप दिखा सको रॉन्ग साइड में ले गए, ड्राइवर की लापरवाही के कारण कुचल दिया एकदम। अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखो जी, पुलिस के ऊपर ही है क्या कार्रवाई करती है प्रशासन। लगभग कितनी उम्र थी बच्ची की? 3 साल उम्र थी। कितने बच्चे और थे आपकी बहन पर? SHO साहब, एक एक्सीडेंट का मामला आया है, पूरा मामला क्या कुछ है? 8:30 बजे के लगभग की बात है, मोहना से एक प्राइवेट गाड़ी आ रही थी, उससे एक नाबालिग बच्ची का जो है ना एक्सीडेंट में मौत हुई है। उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसकी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग और कार्रवाई की जा रही है। लगभग कार्रवाई करेंगे। बच्ची की लगभग कितनी उम्र है जी? बच्ची की 3 साल के लगभग उम्र है। ड्राइवर पे भी मारपीट का आरोप है, ड्राइवर पीटा गया है, उसके मामले में क्या बात है? ये जांच पड़ताल में हमें अभी सुनने में नहीं आया है, बाकी देख लेंगे हम जो बात।